हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी चल रही है पढ़ाई? नाउ आई एम हियर टू टॉक अबाउट योर नवंबर 21 एग्जाम्स. नवंबर 21 एग्जाम्स के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे. पहली बात तो नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए महीने बचे हैं, लाइक 3 अगस्त सितंबर अक्टूबर. नवंबर को मैं उसमें काउंट नहीं करती हूँ, रिविजन में जाता है. और अभी आपके पास अगस्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास इफेक्टिवली 3 मंथ्स ही है. कितने महीने हैं हमारे पास? 3 मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नवंबर 21 एग्जाम्स, राइट? अब जो लोग इसका टाइम टेबल चाहते हैं, बेटा मैं पक्के से उस पर वीडियो लाऊंगी और जल्दी आएगा उस पर वीडियो. हाउ टू प्रिपेयर फॉर 3 मंथ्स वाला स्ट्रैटेजी मैं लेकर आऊंगी, जल्दी लेकर आऊंगी. यहाँ पे पहले तो मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में. और प्रीवियस अटेम्प्ट के बाद हम लोगों को और रियलाइज हो गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट? टॉकिंग अबाउट योर पेपर 3 मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर. जिन लोगों ने, पहली बात तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हो, जिन लोगों ने अभी का अटेम्प्ट दिया था जुलाई का, एंड आपने अगर अटेम्प्ट ही 40 के बिलो किया है, तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमने बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट? कोई बात नहीं, हो गया हो गया. नाउ यू हैव 3 मंथ्स इन हैंड, इसको सही से हमको यूटिलाइज करना है. जो लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हैं नवंबर 21 में, अगर आप लोगों को पता चला होगा कि हमारा किस तरह से प्रीवियस अटेम्प्ट गया है, मैथ्स के पेपर से डील करना नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, नीड कॉन्सेप्ट्स, नीड फॉर्मूलास, बहुत कुछ की जरूरत होती है उसके लिए, राइट? मतलब आपने ये बात अच्छे से सुन ली होगी अभी तक कि मैथ्स का पेपर कैसा गया था. मैं उसका रीजन भी डिस्कस करूंगी कि ऐसा क्यों गया था. आई विल लेट यू ऑल नो कि वाई पेपर वॉज लाइक दैट, वाई स्टूडेंट्स कुडंट अटेम्प्ट द पेपर अच्छे से, क्यों उसमें कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है हमको पेपर के अंदर, वो सब बात करेंगे हम. देखो, एक बात समझो, आपका जो मैथ्स का पेपर है ना, इट रिक्वायर्स, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट लगता है उसके लिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगता है, फॉर्मूलाज लगते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं उसके लिए, ट्रिक्स लगते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सुना पेपर बहुत लेंदी था. ये जो लेंदी पेपर था उसको आसानी से सॉल्व करने का एक ही जरिया था, वो था ट्रिक्स. एग्जैक्टली, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं बेटा, जो लोग डायनामाइट किए हुए थे, ब्रह्मास्त्र किए हुए थे, बूस्टर किए हुए थे, मेरे को ऐसे बहुत बच्चों का जेन्युइन फीडबैक आया हुआ है कि वो पेपर अटेम्प्ट कर पाए. वो ऐसी स्थिति में नहीं है और वो ये मेरे को थैंक यू करने के लिए उनका मैसेज या कॉल था या व्हाटसो एवर. तब आई रियलाइज कि यार ये वाला पेपर जो लेंदी था ना, इसको टैकल करने के मेरे को और रियलाइज हुआ कि ट्रिक्स वॉज अ सोल्यूशन. जो लोग ये ट्रिक्स करके गए थे, नॉट नेसेसरीली मेरे ही कोर्स से, जहां से भी जो भी ट्रिक्स आप लोगों ने किए थे, उससे आपको क्या हुआ, मैथ्स का पेपर एक कंफर्टेबल स्टेज पे है. 80 टारगेट करना तो शायद 80 तक नहीं कर पाए, 70 तक कर पाए, लेकिन एक कंफर्टेबल स्टेज पे कहीं ना कहीं जानते हैं कि हम पास होने के चांसेस हाई है, समझ रहे हो? इसके लिए नवंबर 21 के लिए, ताकि अब ये चीज रिपीट ना हो आप में से किसी के भी साथ, आप लोगों के लिए आई हैव ब्रॉट एंड लॉन्च्ड सीए फाउंडेशन की रेगुलर सीरीज. मेरे अपने लेक्चर्स, रेगुलर बैच की बात करूं, मैं प्रॉपर रेगुलर बैच की बात करूं, बेटा पूरा पेपर 3 कवर होगा, मैथ्स स्टैट्स एलआर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो लास्ट तक देखे, मैं आपको बताती हूँ. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 500%. ऐसी कोई चीज नहीं है, जो आपने मेरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का रिवीजन देखा हुआ है, राइट? वो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, वो देख के मेरे को भी पता है कि आपने वो पक्के से देखा है, सिंस यू आर फॉलोइंग मी. और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो, तो बेटा पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में जो इतने सारे लिंक से गो थ्रू करो, आपको मिलेगा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट है. सो एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैथ्स है, कॉन्सेप्ट्स है, तो कॉन्सेप्ट हमको करने ही है, तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट करवाया. मैं आपको बताती हूँ मेरा सीक्वेंस क्या होता है पढ़ाई का, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, जानना जरूरी है कि व्हाट डिफरेंट डू आई हैव. तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट लूंगी कोई भी चैप्टर का, एग्जाम्पल के लिए रेशियो प्रोपोर्शन, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इमीडिएटली हमें क्या करते हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशन करते. मतलब मेरी जो आपको बुक मिलेगी ना, ये रेगुलर कोर्स के साथ जो आपको बुक मिलेगी, उसके अंदर ये सॉल्व इलस्ट्रेशन सॉल्व रहेगा विद सॉल्यूशन, नॉट द आंसर की ABCD.
और जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स और इलस्ट्रेशन पूरे चैप्टर के खत्म होते हैं, उसके बाद मैं करवाऊंगी आपसे MCQs. एंड वाइल टीचिंग ऑल दिस इन द रेगुलर लेक्चर आई टेक अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स. मैं पहले वो सॉल्यूशन डिटेल में बताती हूँ, फिर मैं वही सॉल्यूशन ट्रिक्स के साथ बताती हूँ. ट्रिक्स के साथ क्यों बताती हूँ, मेरे को पता है मैथ्स का पेपर आसानी से सॉल्व नहीं होता है, उसको ट्रिक्स लगते ही लगते हैं. दिस इज द वे आई टेक माय लेक्चर. सो आई टेक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. जो मैं आपको बोल रही थी ना सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये सॉल्व एग्जाम्पल 500 प्लस है ये मेरी वाली बुक में, और MCQ 800 प्लस है, कलर्ड बुक है. आई विल शो यू द बुक. फिर मैं अच्छा एक बार ये आप सारे फीचर्स देखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स है ही है. पूरा कोर मैथमेटिक्स शॉर्टकट ट्रिक्स पे ही तो डिपेंड करता है, कैसे नहीं रहेगा. कैलकुलेटर ट्रिक्स भी है, वो मैंने आपको सिखाया है. थियोरी पॉइंट स्टैटिस्टिक्स में जहां जहां नेसेसरी है, हर जगह मैंने थियोरी कवर की हुई है आपके चैप्टर रिलेटेड. दिस इज माई बुक, आई विल टेक यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर मैथमेटिक्स रेशियो में. और एक दो आपको सैंपल के लिए दिखाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुके. बता रही हूँ आपको, मेरी बुक ही बता रही हूँ. देखो ये फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. यहां मैंने क्या किया है, पहले लिया है मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट, मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा दिया. वो कॉन्सेप्ट समझाते ही मैंने क्या लिया है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर वन, देखा विद सोल्यूशन है. मैं बोली ना आपको सॉल्व एग्जाम्पल नंबर टू विद सोल्यूशन है. रेलेवेंट हमने ऐसे कर लिया. फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आए, वो नोट्स के बाद और मेरी बुक में मैंने हर जगह टाइप्स डाल दिए, बेटा ये टाइप के क्वेश्चन इधर है, ये टाइप के क्वेश्चन इधर है, ताकि आप फर्स्ट स्टेज में जब पढ़ रहे हो आप जंबल अपनी होते, फिर वो क्या पढ़ा था, फिर ये क्या पढ़ रहे हैं. नहीं, हम टाइप वाइज सिखाएंगे. मतलब मैं सिखाती हूँ टाइप वन में हम ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे, MCQ में तो सारे मिक्स करेंगे क्योंकि पेपर वैसा होता है, पर सिखाने वाला जो प्रोसेस है वो टाइप वाइज जाता है. ये देखो ये है आपके टाइप, जहां जहां भी कैलकुलेटर ट्रिक्स है मैंने मेंशन किए है लेक्चर के अंदर, सिखाए बकायदा सिखाए कैलकुलेटर हाथ में लेके. मैं आपको बताती हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, जहां पे शॉर्टकट ट्रिक्स है मैंने वो भी एक्सप्लेन किया आपको, आगे लेके जाती हूँ ना मैं, बताती हूँ अच्छे से. देखो आप यहाँ कैलकुलेटर आया, मैंने सिखाया कैलकुलेटर, जिधर भी कैलकुलेटर आता है मैंने हर जगह कैलकुलेटर सिखाए, जहां मैं डायग्रामेटिकली ट्रिक्स बता सकती मैंने वहां डायग्रामेटिकली दिए है. ये लो ये यहाँ पे रेशियो खत्म हुआ, लाइकवाइज हमने क्या किया प्रोपोर्शन खत्म किया, और जहां पे आपका सब खत्म होता है वहां पे चालू होते हैं MCQs. फिर मैंने लिए MCQ जिसके सोल्यूशन नहीं है, जिसके सिर्फ ऑप्शन है, इसके सोल्यूशन का लेक्चर में लिए है ना, हर एक MCQ मैंने लिया है, खुद सॉल्व किया है, इसका आंसर ऐसा आएगा, अगर ये आएगा तो क्यों आएगा, सारा कुछ डिटेल में सॉल्व किया है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे मेरा पूरा फोकस था, और उसके बाद मेरा फोकस था ट्रिक्स पे. मैं आपको एक और एन्युटी एग्जांपल, क्योंकि एन्युटी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये अटेम्प्ट में बच्चे तंग हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा एन्युटी से थे. एन्युटी के जो क्वेश्चन थे, टाइम वैल्यू के जो क्वेश्चन थे, बेटा कुछ नहीं होता है, ट्रिक लगानी होती है और कुछ नहीं, ट्रिक लगा दी हो तो आपको उतना टाइम ही नहीं लगेगा ना, एक क्वेश्चन में 5-10 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट भी कोई क्यों डाले. मेरे लेक्चर में मैंने लिटरली सेकेंड्स में आंसर निकाला है, क्लॉक टाइम और सब करके किया है हमने, ये सेकंड्स में आंसर निकाला हुआ है. ये देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका पूरा फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या है ट्रिक है, ये आपका कैलकुलेटर ट्रिक, ये आपका ट्रिक दिख रहा है आप लोगों को. मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स लिए है, हर एक कुछ मैंने इधर लिख के लिखवाए बुक में, कुछ मैंने डायरेक्टली लेक्चर में लिए जो ये बुक में नहीं है, वो आप सुनोगे ट्रिक को समझोगे और लिखोगे. इससे पूरा चैप्टर मतलब एन्युटी अगर आप मेरे से पढ़ते हो, एनीवन हु हैज स्टडीड फ्रॉम मी, एन्युटी का मैं एक भी फॉर्मूला लर्न करने नहीं बोलती, नॉट अ सिंगल फॉर्मूला. एन्युटी हमारा पूरा ट्रिक बेस्ड जाता है, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर निकालते हैं, एक दो स्टेप मुश्किल से लिखते हैं. एन्युटी का मैं बिल्कुल भी फॉर्मूला ना सजेस्ट करती हूँ, ना एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग लर्न करो. कितने फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं क्यों जब कैलकुलेटर पे आंसर आता है. कुछ यहाँ पे ट्रिक दिए हुए, कुछ मैंने डायरेक्टली लेक्चर के अंदर ट्रिक लिए, सारे ट्रिक से इधर मेंशन नहीं है, पर 90% ट्रिक्स है बाकी के. और अगर ट्रिक के टॉपिक पे है ही हम, तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द प्लस पॉइंट. आप जो ये रेगुलर कोर्स अगर आप लेते हो, मैं उसका ड्यूरेशन वगैरह सब बताऊंगी आपको, एवरीथिंग. रेगुलर कोर्स फिलहाल इट इज ऑन डिस्काउंट एंड द रेट इज 2499 रुपीज में
आपको रेगुलर कोर्स मिल रहा है, इसके साथ क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सॉल्व इलस्ट्रेशन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, मैंने लेक्चर्स में जो ट्रिक्स लिए हैं वो मिलेंगे, इसके डाउट सेशन हम अलग से लेंगे प्लान करके जूम पे, विल ट्राई टू प्लान इट आउट, पर हम लेंगे। आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर्स टू चेक, है ना, आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे टू चेक योर नॉलेज, आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑनलाइन होते हैं टेस्ट इसके, और ये दिस इज द लॉन्चिंग ऑफर। अभी आप लोगों को मैं क्या दे रही हूँ, ये जो रेगुलर कोर्स है इसके साथ अलग से एक ट्रिक्स का फ्री सीरीज दे रही हूँ, वो एक्सक्लूसिवली ट्रिक्स का सीरीज रहेगा, कोर मैथमेटिक्स करेगा, जिसके अंदर सिर्फ ट्रिक और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, फिर दूसरा ट्रिक, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ये इसके साथ आपको क्या मिलेगा, फ्री। यस एग्जैक्टली, मेरे को रियलाइज हुआ कि तुम लोग को कितनी जरूरत है ट्रिक्स की, मेरे को अच्छे से पता है। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का फ्री में सीरीज मिलेगा ये वाले कोर्स के साथ। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माय रेगुलर कोर्स ट्रिक्स अपार्ट, मेरे रेगुलर कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 hours है। 90 to 100 hours में मैंने पूरा LR, मैथ, स्टैट्स अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, सॉल्व इलस्ट्रेशन के साथ, एमसीक्यू के साथ कवर किया हुआ है। आपको इसके साथ ये वाली बुक की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आपके घर के एड्रेस पे, वंस यू परचेज द लेक्चर तब आपको मिलेगी। लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे मैम, और डेमो का क्या? देखो जो लोग स्टैट्स देख चुके हैं, मेरे को लगता नहीं तुम डेमो पूछोगे फिर भी, और जो लोग नहीं देखे उनके लिए भी इसका डेमो की जो लिंक है, डेमो की जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मैथ्स का मेरा कोई भी लेक्चर देखो, आपको वहां पे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेक्चर कहां से खरीदे, लेक्चर खरीदना है आकाश अग्रवाल क्लासेस का, हमारा अपना ऐप है, वो ऐप पे जाएंगे आप और क्या खरीदेंगे, लेक्चर खरीदेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से खरीद सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर ओनली, एंड्रॉइड यूजर्स ओनली, आप लोग आकाश अग्रवाल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप फोन पे इटसेल्फ आपके क्या देख सकते हो, मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर देख सकते हो। बेटा ये बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स है, मैंने और इस अटेम्प्ट के बाद मेरे को और ज्यादा भरोसा आ गया है, पीपल आर एबल टू सॉल्व द पेपर्स, बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस है उनको, मेरे को इतने सारे जो कॉमेंट्स और डीएम आए आफ्टर द पेपर, मतलब ऑफकोर्स देयर वाज अ क्राउड व्हिच आई कुड सी ऑन यूट्यूब कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, थोड़ी तो बहुत खराब गया है, आई मीन 39, 35, 45, 42 अटेम्प्ट किया, एंड देयर वर अ चंक ऑफ पीपल हु कुड रियली अटेम्प्ट 60, हु कुड रियली, मतलब वो कॉन्फिडेंट कि मैम 50 से 60 हमको आ जाएंगे, पक्के से आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को अगर अटेंड करना है, मैं आपको बता रही हूँ ये बेस्ट लेक्चर्स है मेरे लेक्चर्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, आपको जो फ्री की ट्रिक्स मिल रही है ना, ये चीज इज बेस्ट मैजिक ट्रिक्स यू कैन एवर हैव फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिससे आपका सॉल्विंग वुड बी 500% ईजियर, आई एम नॉट किडिंग, 500% ईजियर हो जाएगा, दिस इज माई वर्ड, प्रोवाइडेड आप अच्छे से लेक्चर देखिए, उसकी रिस्पेक्टिवली पढ़ाई करें। सो अभी अच्छा ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, और टाइम भी है कि आप लोग रेगुलर कोर्स के लिए जा सकते हो। 2499 में ओनली रेगुलर कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो अभी तक आपको अगर आपने नहीं कुछ पढ़ाई किया है, नहीं समझ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने लेक्चर में सारी बातें की, आपने कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, एक्सप्लेन्ड इट ऑल, मिलेगा कहाँ पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, या तो फिर हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे स्टोर के सेक्शन में, स्टोर के सेक्शन के अंदर ये सेम इमेज के साथ आपको एक दिखेगा सीए फाउंडेशन रेगुलर बैच, वहां से जाके आप खरीद सकते हो ये कोर्स 2499 का ओनली, राइट। और अब आपको जो भी कुछ चाहिए आपके नवंबर अटेम्प्ट से रिलेटेड, आपको जो भी कुछ लगता है, जो भी कमेंट्स है, जो भी पूछना है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर पक्के से देखूंगी। ये स्केड्यूल है मेरे दिमाग में, बहुत लोगों ने मेरे को बोला 3 महीने का आपको स्टडी प्लान चाहिए, मैं वो भी कोशिश करूंगी, पक्के से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी, बट आई विल ब्रिंग इट अप। एंड उसके अलावा भी और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल मेक श्योर कि वो जल्दी मैं लेकर आऊंगी, राइट। So don't miss this opportunity, the best thing you can have right now, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको अगर बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है तो डू गो, आप मेरे पे
भरोसा करके आग बंद करके लेक्चर्स ले सकते हो, आपको इसका बेनिफिट जरूर होगा, राइट। See you all for the next lecture. Check the description box. आप लोगों से related बहुत कुछ है इसके अंदर. Example के law का marathon है, मेरा statistics part 1 है, आपको demo के लिए देखना है तो demo की एक link अलग से डाल दूंगी. Then how to prepare, maths में कैसे score करे, cumulative revision कैसे करे, ऐसे बहुत सारे videos बनाए हुए हैं. Description box देखेंगे तो आपको मजा आएगा. Yes. See you all for the next lecture. Bye bye.